The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में, ऑथेंटिक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिलती है सिंप्लीफाइड भाषा में। आज हम बात करेंगे ब्लड इन स्टूल के बारे में, कोलाइटिस के बारे में, क्या होता है ब्लड इन स्टूल और क्या होता है कोलाइटिस। कोलाइटिस के बारे में शॉर्ट में बताएं तो, जब भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ कोलोन है, बड़ी आंत है, अगर बड़ी आंत के अंदर कहीं कोई इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पर अल्सर बन सकते हैं, अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है और वो ब्लीडिंग आपके ब्लड में, आपके ब्लड आपके स्टूल में आ सकता है। सो ये अल्सर इन्फ्लामेशन, इसको हम कोलाइटिस कहते हैं। आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। आईबीएस दूसरी चीज़ है, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो एक अलग चीज़ है जिसको अलग वीडियो में कवर किया जाएगा। जैसे हमने बताए थे, आज का मेन चीज़ ब्लड इन स्टूल सिर्फ और सिर्फ कोलाइटिस में नहीं आता, और भी बहुत सारे में आता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पहली, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है स्टूल में तो फिर सोचिए मत, डायरेक्ट अस्पताल जाइए। अगर लाइट हेडेडनेस, रैपिड हार्ट रेट या वीकनेस हो रही है तो फिर डायरेक्ट अस्पताल जाना चाहिए। फिर आती है बात कि ब्लड इन स्टूल का क्या मतलब। या तो फिर आपके लैट्रिन में ब्लड जो है एकदम मिलके आ रहा है, राइट। एक होता है इनसाइड, एक होता है ऑन द स्टूल। ऑन मतलब ऊपर से लग रहा है, एक होता है मिलके आ रहा है, राइट। तो ब्लड इस तरीके से अपीयर हो सकता है, जब मिलके आएगा तो वो लैट्रिन का कलर चेंज करेगा, ओवर होगा, उसके ऊपर होगा तो ऊपर से स्ट्रीक आ सकती है, ऊपर से लाल रंग के ऐसा लगेगा किसी ने ब्लड लगा दिया, पेंट लगा दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके उठने के बाद आपको टॉयलेट सीट है, कमोड है, कमोड पे लगा हुआ दिख सकता है, या टिश्यू पेपर पे लग सकता है। तो कई सारे तरीके हैं ब्लड के स्टूल में अपीयर करने के लिए। याद रखिए, इसमें कई सारी बीमारियों से होता है और कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर का क्या मतलब, बीमारियों का क्या मतलब समझते हैं। सो कॉजेज समझने से पहले ये समझिए, कम कैसे होता है, बढ़ता कैसे। जो लोग दारू पीते हैं, कैफीन पीते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, कैफीन ज़्यादा पीते हैं, उनके इसमें बढ़ सकता है। कुछ प्रकार के खाने पीने से बढ़ सकता है, वो हर एक का अलग अलग होता है। किसी के लिए वो राजमा चावल होंगे, किसी के लिए मसाला होगा, किसी के लिए वो कुछ और होगा। या मोशन के टाइम, लैट्रिन के टाइम बहुत ताकत लगाने से स्टूल्स, ब्लड इन स्टूल बढ़ सकते हैं। कम कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीने से। ज़्यादा पानी पीने से, कुछ प्रकार के हल्के आहार खाने से, फाइबर ज़्यादा खाने से ब्लड इन स्टूल कम होते हैं। कई बार ब्लड इन स्टूल के साथ पेट में दर्द हो सकता है, लैट्रिन के रास्ते में जलन हो सकती है, लैट्रिन का टाइमिंग और हैबिट्स चेंज हो सकती है, राइट। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है, बुखार हो सकता है, कभी कभी स्टूल्स पतले पतले या हो सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में आए, नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, पेनफुल बॉवल मूवमेंट्स हो सकते हैं, अनइंटेंडेड वेट लॉस हो सकता है, रेक्टल पेन हो सकता है, परसिस्टेंट अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, याद रखिए, अकम्पनीड, सारी की सारी एक साथ नहीं होगी, कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी। सो अगर ब्लड आ रहा है स्टूल में तो उसके कारण समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है कि ब्लड कहाँ आ रहा है, क्या वो स्टूल के अंदर है या ये स्टूल के लैट्रिन के रास्ते में आसपास है। फॉर एग्जांपल, जैसा हमने बताया था, अगर ब्लड इनसाइड द स्टूल है, इनसाइड द स्टूल मतलब उसमें क्या क्या आएगा, यानी इन या अराउंड, अगर ब्लड तो उसके ऊपर से लग के आ रहा है तो हो सकता है आपको केवल एनल फिशर हो, यानी कि लैट्रिन के रास्ते में क्रैक हो रहा है तो उसके ऊपर से लग के आ रहा है। सो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और
स्टूल के आसपास लग के आएगा, टॉयलेट पेपर पे लगेगा, टिश्यू पेपर पे लगेगा, इसका स्ट्रेनिंग से बढ़ेगा और पानी ज़्यादा पीने से, समय के साथ वहाँ मॉइस्चर रखने, सिट्स बात करने से ठीक हो जाएगा, ऑलरेडी समझाया हुआ है। दूसरा कारण होता है, जी हाँ, जो एक डेंजरस कारण है, कोलोन कैंसर, जिसके बारे में लोग डरते हैं, पर कोलोन कैंसर जो है वो आपके ब्लड जो है वो ऊपर से भी लगा आ सकता है, थोड़ा अंदर मिक्स भी हो सकता है इसमें। लेकिन फिर जो हमने सारे सिम्टम बताए, कुछ ना कुछ सिम्टम साथ में होंगे, अनइंटेंडेड वेट लॉस, नौजिया, वॉमिटिंग, फटीग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, चेंजेस इन बॉवल हैबिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेट में दर्द, तो फिर इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब करा के देखना है पेट में कहीं गांठ तो नहीं है। कोलोन के अंदर कैंसर के अलावा पॉलिप हो तो भी ऐसा हो सकता है, पॉलिप का मतलब एक सिंपल सी गांठ होती है, नॉन कैंसरस। और क्रॉन्स डिजीज हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज का मतलब क्या, क्रॉन्स डिजीज का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर आपके छोटी आंत में अल्सर्स हो रहे हैं, जैसे बड़ी आंत के अल्सर्स ब्लीडिंग कर सकते हैं, छोटी आंत के अल्सर्स ब्लीडिंग कर सकते हैं, उनमें ब्लीडिंग होगी, उनमें थोड़ा ब्लड आएगा तो वो लैटरिन के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है तो लैटरिन का कलर, मोशन का कलर, स्टूल का कलर डार्क होने लग जाता है, ज़्यादा ब्लड होता है तो एकदम जेट ब्लैक कलर आता है, याद रखिए डाम्बर कलर। सो उतर आता है तो उसका मतलब है अपर इंटेस्टाइन, अपर जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, या तो फूड पाइप से ऊपर इसोफेगस से, या नीचे कई बार उससे भी हो सकता है फ्रेश ब्लड आए तो। सो ब्लड विल अपीयर ऑन स्टूल और अराउंड द स्टूल, इसको टॉयलेट पेपर पे भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, क्रॉन्स डिजीज में भी सिम्टम्स अकंपनी हो सकते हैं। इवन गैस्ट्राइटिस, प्लेट में छाले, पेट में एसिडिटी होने से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ये दारू पीने से, अल्कोहल लेने से, कैफीन पीने से, चाय कॉफ़ी पीने से बढ़ सकती है। इंटेस्टाइनल इश्चीमिया करके एक बीमारी है, जिसमें आपके इंटेस्टाइन में जाने वाली खून की नसों में क्लॉट आ जाता है, ऐसे में खून की नसें बंद हो जाने के वजह से इंटेस्टाइन्स में इश्चीमिक डेथ होने लगती है, टिश्यू मरने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, उसके वजह से भी ब्लीडिंग आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है। पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में अल्सर, पेप्टिक अल्सर यानी प्रॉपर अल्सर, इसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और आखिरी में अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस अपने आप में बड़ी आंत के ऊपर अल्सर्स हैं, याद रखिए सिम्टम्स ऑलमोस्ट सब में 19-20 एक जैसे होंगे, लेकिन हमें जो जानना होता है कि बीमारी कौन सी है। अगर हम बीमारी जान लेंगे तो हम इलाज कर लेंगे। इनमें से बीमारी जानने के लिए करने होते हैं, एक तो लेना होता है हिस्ट्री, फिर लेने होते हैं टेस्ट, टेस्ट से फिर समझ में आता है कि आगे क्या ले क्या करना है उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। सो याद रखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे डिसाइड होता है कि भाई आपको कौन सी बीमारी है, और ऐसे कई फैक्टर हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि आपके लिए क्या इलाज करना है। सो हर एक चीज़ एक बराबर नहीं होती, हर एक पेशेंट के ट्रीटमेंट सेम नहीं होता, तो खुद से ट्रीटमेंट करने का ना सोचें। कोलोन कैंसर है कि क्रॉन्स डिजीज है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि डाइवर्टिकुलाइटिस है कि पाइल्स है, पाइल्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोक्टाइटिस में भी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो फिर टिश्यू पेपर पे लगी हुई दिखेगी या लैटरिन पे टप टप आपको दिखेगी, पाइल्स वाली ब्लीडिंग वो फिर नीचे से कुछ आते हुए भी दिख सकता है, कभी अंदर बाहर जाते हुए दिख सकता है, चीरा जैसा महसूस हो सकता है फिशर में। सो याद रखिए, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन रेगुलर और बाकी टेस्ट, ये हमें गाइड करते हैं कि भाई आपके शरीर में एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है। खून की जाँचें ज़रूरी हैं, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर रहे हैं तो बीपी लो हो जाएगा, चक्कर आके बेहोश हो सकते हो। म्यूकस भी आता है स्टूल में, इनमें से कई बीमारियों में, देखिए आपके याद रखिए, म्यूकस किसी एक स्पेसिफिक बीमारी का साइन नहीं है, क्योंकि जिस तरह मुंह से लार निकलती है, मुंह से सलाइवा निकलता है, वो नॉर्मल है। अगर कोई कहे कि मुंह से ज़्यादा सलाइवा निकल रहा है तो ये कोई एक बीमारी नहीं है। वैसे ही अगर आपके इंटेस्टाइन में, छोटे हो या बड़े इंटेस्टाइन हो, वहाँ पर कहीं भी इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पर जो म्यूकस बनता है, जो नॉर्मली बनता है, वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो स्टूल में थोड़ा निकलेगा भी ज़्यादा, तो वो एक सिर्फ इतना बताता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब वो इन्फ्लामेशन प्योर इन्फ्लामेशन है, अल्सर है, कैंसर है कि क्या है, ये नहीं वो बताता। सो म्यूकस इन स्टूल इज़ नॉट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, उसको बाकी हिस्ट्री के साथ जोड़ के
एक डायग्नोसिस तक पहुंचा जाता है, और आपका डायग्नोसिस क्या होगा ये अभी से नहीं बताया जा सकता। सो कृपया अपने डॉक्टर से बात करें, अपना डायग्नोसिस बनाएं, फिर पता चलेगा आपके लिए इलाज क्या है। अगर ये जानकारी बस इतने बताने के लिए है कि बहुत सारे कारण होते हैं, डरने की बात नहीं है, सिर्फ कैंसर उसका रीज़न नहीं होता। सो टेक केयर, वीडियो को शेयर करिए, जो सवाल है नीचे लिखिए, और हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में।